तो हे गाइस व्हाट्सएप वेलकम टू माय गेमिंग चैनल सैलम बॉय वाईटी। तो गाइस हम लोग फिर से आ चुके हैं और एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके। तो गाइस आज हमें कुछ बताना है आप लोगों को। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना माइनक्राफ्ट का एसएमपी। हम लोगों ने अपना एसएमपी का नाम रखा है बैड डैड। तो गाइस कैसा रखा हम लोगों ने नाम कॉमेंट में ज़रूर बताना है। एंड गाइस दोस्तों अभी हमें ढूंढना है विलेज। एंड गाइस जो अपना बैड लैंड का जो पूरा स्टोरी होने वाला है ना, बहुत सही वाला स्टोरी होने वाला है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो धीरे धीरे अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो कुछ ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। तो आज हम कुछ माइनिंग वगैरह करेंगे एंड बहुत ज़्यादा मज़े भी करेंगे। आज कुछ किलर बहुत ज़्यादा मज़े का सीन करने भी वाला है, वो भी सीन तुम लोग देखना, बहुत मज़ा आने वाला होगा तुम लोगों को। भाई किलर जो सीन करने वाला है ना भाई, लावा में कुछ बोलना ही नहीं है मेरे को। तो गाइस हम लोग ना भी देख सकते हो फाइनली हम लोग माइन में आ चुके हैं। तो गाइस हम लोग ना कुछ ट्राई कर रहे थे मतलब ना वॉइस वगैरह का, तो हम लोग वॉइस भी रिकॉर्ड किए थे इस जगह पे। तो गाइस तो अभी देखो क्रीपर का सीन देखो भाई, मेरे को जैसे रास्ता ही नहीं मिला, तीन हार्ट में मेरे को बचा के रखा। एंड गाइस जो मेरे को अभी तुम लोग को बताना है, हम लोग ना क्या कर रहे थे, अपना वॉइस भी देने का गेम के साथ साथ देने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन गाइस जो वॉइस था ना वो सेव नहीं हुआ। तो बस उसलिए तो मैं अभी वॉइस ओवर से वीडियो बना रहा हूँ। तो दूसरा जो पार्ट आने वाला होगा, अपना सेकेंड जो माइनक्राफ्ट का पार्ट होने वाला होगा, उसमें सारे बंदे का वॉइस आएगा, जितने बंदे अपने साथ खेल रहे होंगे माइनक्राफ्ट, तो वो सीन बहुत सही लगेगा। तुम लोगों को पता ही होगा बहुत ज़्यादा मज़े भी आते होंगे। तो अभी देखो कुछ स्केलेटन वगैरह भी आए हैं। एंड गाइस तो इसमें भी हम लोगों ने वॉइस दिए थे, लेकिन गाइस जो सीन हुआ अपना वॉइस सेव ही नहीं हुआ। तो गाइस हम लोग ना भी क्या करेंगे, तो जो हुआ तो उसे छोड़ दो, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं अपना गेम प्ले पे ध्यान देते हैं। तो अभी हमें ना कुछ आयरन वगैरह चाहिए, क्योंकि आयरन स्पेल्ड करके हमें ना आयरन का पिकेस वगैरह भी बनाना है, क्योंकि गाइस हमें जाना है अपना डायमंड माइन करने, क्योंकि गाइस अपना एसएमपी का स्टार्टिंग में तो हमें कुछ ग्राइंड वगैरह करना पड़ेगा। तो गाइस इस वाइन बंदे को देखो यार, मोहन को देखो भाई, इधर से आया तो इतना ज़्यादा तीर खा के आया था ना, क्या बताओ। इधर में किलर भी है, लेकिन गाइस हम लोग जाते जाते मतलब मैं किलर को बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन जाते जाते किलर को पहले ही फेल दिया। अभी क्या बताऊँ गाइस यार, इस केली नहीं फेला है ना, इसको मैं मारूँगा अभी। गाइस यार इतना ज़्यादा घटिया घटिया सीन हो रहा था ना, हम लोग माइन में तो आ तो चुके थे, लेकिन जो मार पड़ रही थे ना हमें, इधर मेरे को लग रहा था मैं भी नहीं बचूंगा यार, क्या बताऊँ। जो छोटा जॉम्बी जो मारता है ना भाई, पूरा हालत खराब कर देता है, इतना ज़्यादा गंदा फैलता है छोटा जॉम्बी। लेकिन गाइस इस जगह पे मैं मर भी गया था, लेकिन एक सीन हुआ, मैं तो जॉम्बी से तो नहीं मरा था, लेकिन अपने बंदे से ही मैं मर गया था। अभी मैं फिर से आया अपना भाई माइनिंग में जाने के लिए। तो गाइस हमें ना इधर से तो पानी तो दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं जंप करने में मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि मैं सही से जंप नहीं होता मेरा अभी तो, मतलब अभी तो माइनक्राफ्ट स्टार्ट किया, इतना ज़्यादा सही तो गेम प्ले होगा नहीं, अभी धीरे धीरे गेम प्ले इम्प्रूव होगा। तो मेरे को इधर से रास्ता दिखा, अपने मोहन भाई ने मेरे को बताया इधर से आ जाओ, इधर से पूरा रास्ता है। लेकिन गाइस इधर जो सारा लूट गिरा था वो मेरा ही था, लेकिन भाई इसने उठा लिया, तो मेरे को फिर से इससे सारा लूट लेना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा सीन है। तो मैं इधर से थोड़ा गोल्ड वगैरह उसने माइनक्राफ्ट में उठा लिया, कोई नहीं गाइस, मैं उधर से उससे सारा मैंने ले लिया था अपना सामान वगैरह। उसके बाद हम लोग फिर से माइनिंग में लौट आए, तो मेरे को इधर से बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट दिखाई दिया। तो गाइस मैं अभी जल्दी जल्दी इसे माइन कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस माइन करने के बाद भाई माइन भी नहीं करने दे रहे थे, इतना ज़्यादा जॉम्बी आ रहे थे ना भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस जॉम्बी लोगों से भी। भाई मेरे को थोड़ा तो माइन करने दे यार, माइनिंग करने आया हूँ, माइन भाई जॉम्बी मारने में चले जा रहे टाइम। एंड गाइस जो मित्र मेरा इतना ज़्यादा एक्सपी था, सारा चला गया एक्सपी वगैरह, मैं सारा हेल्थ वगैरह फुल कर लेता हूँ। एंड गाइस मैं अभी इधर जो आया था ना भाई, पूरा लावा ही लावा था इधर भाई, हमें ना किलर पूरा सीन दिखाएगा अपना मैजिक दिखाएगा, तुम लोग ज़रूर देखना कितना ज़्यादा सही वाला सीन करने वाला। मैंने तो इधर से पूरा तोड़ दिया, क्योंकि लावा बंद करना था मेरे को, तो गाइस मैंने इधर से तोड़ दिया, क्योंकि लावा अभी पानी से मिक्स होता है, तुम लोग जानते हो गए स्टोन बन जाता है कॉबल स्टोन, तो गाइस इधर से तो कॉबल स्टोन हो जाएगा। तो अभी ना मैं क्या करूँगा, इधर से जाऊँगा, इस लावा को मेरे को ऑफ करना है, क्योंकि नीचे हमें ना डायमंड भी मिल सकता है। तो गाइस इधर से मेरा हाथ पहुँच नहीं रहा था, तो मैं अभी क्या करूँगा, साइड से थोड़ा बैठ के चले जाता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इस जगह पे, क्योंकि गाइस मैं गिर गया ना, पूरा सामान तो जाएगा ही, क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। भाई नीचे डायमंड भी होगा तो ये लोग माइन कर लेंगे, मेरे को नहीं मिलने वाला। तो मैं अभी कुछ ख़तरनाक सा सीन करने का ट्राई कर रहा था, लावा तो जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं जंप करने का ट्राई किया। गाइस मैंने सक्सेसफुली पूरा जंप कर दिया, मैं भाई अपने आप का भी क्या बोल रहा था तुम लोग को बताओ। मैं तो मैं वॉइस में बता रहा था भाई, तारा भाई प्रो बन चुका है, मैं तो क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा फनी फनी सीन हो रहा था। लेकिन
भाई गलत सीन वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरे को उस सीन का बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन कोई सीन नहीं गाइस, आज सेकंड में हम लोग पूरा ट्राई करेंगे अपना वॉइस को अच्छी तरीके से करने के लिए। इधर देखो किलर ने अपना मजाक दिखा दिया। क्या बताओ भाई किलर भाई, तुमने सारा सामान, किलर भाई क्या बोल रहे थे तुम लोग को मैं बताता हूँ अभी भाई, क्या बताऊँ तुम लोग को। किलर भाई बोल रहे थे मैं अभी ना 3-4 दिन के लिए पूरा अंडरग्राउंड हो जाऊँगा। मतलब सोचो बंदा बोल रहा था 3-4 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाएगा, लेकिन गाइस इधर जो सीन हुआ उसका, भाई 3-4 दिन के लिए पूरा खाना वगैरह हमसे लिया, फिर उसे सारा लेके लावा में, मतलब कुछ भी सीन भाई ऐसे तो नहीं होता यार 3-4 दिन के लिए अंडरग्राउंड। तो गाइस इधर ना हमें क्या बताओ तुम लोगों को भाई, नहीं बताना यार मेरे को जो इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था ना, इधर हमें पुराना स्पाइडर का स्पॉनर मिल चुका था भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गया था। मतलब स्पाइडर का स्पॉनर भाई, एक्सपी फार्म अपना हो चुका है। तो फिर तो गाइस एक्सपी फार्म को हमें कुछ ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा। तो इधर मेरे को राइट क्लिक करके टॉर्च नेम अपना लग रहा था। तो गाइस मेरा तो बहुत ज़्यादा घटिया सीन होता है, इधर मैं टॉर्च ही नहीं लगा पा रहा था। तो मैं भाई अभी क्या करूँगा, इन्वेंटरी खोल कर अपना टॉर्च को जल्दी जल्दी अपने हाथों में लूँगा, क्योंकि गाइस मेरा उस जगह से टॉर्च लग नहीं रहा था, क्यों पता नहीं भाई, टेंशन में नहीं लग रहा था। फिर से जॉम्बी वगैरह स्पॉन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा घटिया सीन हो जाएगा उसके लिए। तो मैं अभी उधर से आयरन वगैरह कलेक्ट किया, अभी गाइस मेरा ना किस्मत खुल गया भाई। देखो मैं किलर के लिए भाई रास्ता बना रहा था, लेकिन किलर को देखो भाई, उसको भाई उसके पास पिकेज वगैरह कुछ नहीं है। मैंने भाई माइंड करके उसके लिए रास्ता बना रहा था, मैं भाई इसे जल्दी बोला भाई डायमंड। अभी देखो भाई मोहित भाई भी इधर, भाई क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को, जायू भाई भी इधर पूरा घुस के आ गए। क्या बताऊँ मैं, डायमंड का नाम सुने भाई सब लोग हाजिर इधर। मेरे को भाई अभी वो बोल रहे थे भाई ये डायमंड मैंने देखा था। इतना ज़्यादा घटिया सीन हो रहा था ना भाई, क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। इन लोगों को डायमंड मिला, 2 डायमंड था इधर, एक भी डायमंड मेरे को नहीं मिला अभी तक। तो गाइस एक डायमंड तो मेरे को दे दिया, लेकिन फिर भी मेरे को मार पड़ रहा था, क्या बताऊँ मैं तुम लोगों। ये लोग भाई बहुत ज़्यादा घटिया सीन कर रहे थे मेरे साथ, मेरे को डायमंड ही नहीं दिए। माइंड तो मैंने किया, लेकिन बोल रहे थे मैंने पहले डायमंड देखा। कैसे भाई माइंड मैंने किया, डायमंड तुमने कैसे देख लिया पहले, मेरे को तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई। छोड़ो कोई सीन नहीं गाइस यार, तो डायमंड तो अपना ही रहेगा ना, कोई सीन नहीं गाइस यार। अभी के लिए तो जो पहले, जब स्टोरी अभी आगे बढ़ेगा ना, तब जाके खूब बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। क्योंकि गाइस अभी तो कुछ नॉर्मल सा ही सीन चलने वाला है, क्योंकि अभी तुम लोग जानते हो SMP में अभी नॉर्मल सीन क्या होता है। अभी कुछ माइनिंग वगैरह चलेंगे, सब लोग एक साथ भाई रहेंगे वगैरह, सारा अभी सिर्फ बहुत सारा सही वाला सीन चलने वाला है। तो मैं अभी डायमंड बहुत ज़्यादा कलेक्ट करना है, क्योंकि हमें ना डायमंड का आर्मर वगैरह चाहिए, एंड इंचेंटेड वगैरह भी करना है, तो बहुत ज़्यादा काम है। तो हमें ना गाइस इधर से नीचे जा रहा था मैं, तो मेरे को ना इधर से पूरा डेड एंड दिखा, तो मैं अभी ऊपर जल्दी से चला आया। तो गाइस आती मेरे को इधर लावा दिखा, तो मैं गाइस कैसे पता नहीं यार इधर क्या, किसने क्या किया, मैंने ही तो ब्लॉक लगाया, लेकिन इधर लावा का क्या सीन हुआ कुछ पता नहीं गाइस यार। मैं इधर बैठ गया था, तो मैं जल्दी जल्दी निकल नहीं पाया इधर से। तो कोई सीन नहीं गाइस यार, मैंने अपना सारा लूट अपने किलर को दे दिया, लेकिन जो सीन हुआ गाइस, किलर भी बोल रहा था भाई मेरे नहीं देना तुम लोगों को लूट, मेरा लूट जितना था ना, किलर बोल रहा था नहीं दूंगा मैं तेरे को लूट। अभी जो सीन हुआ ना भाई, भगवान है मेरे को लगता है उसे, क्या बताऊँ मैं तुम लोग को, किलर आके इधर बाहर में आके मर गया था। तो गाइस यार मेरे को अपना सारा लूट वापस मिल गया, तो भाई मेरे को जो खुशी हुई ना बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैंने कुछ आयरन का आर्मर वगैरह भी बनाया था, तुम लोगों ने देखा होगा। तो गाइस आयरन का आर्मर बनाने के बाद मैं फिर से आया अपने केव में भाई, सब लोग अभी केव में आ चुके थे। मेरा 3 HP बचा कर रखा ज़ॉम्बी ने, इतना ज़्यादा घटिया फेल रहा था ना मेरे को भाई, किसी को नहीं मार रहा था, मेरे को ही मार रहा था भाई। इधर देखो 2 क्रीपर भाई, खतरनाक, इतना ज़्यादा खतरनाक सीन हो रहा था ना अपने साथ, तुम लोगों को कुछ बता नहीं है भाई। मेरे को बहुत सही लग रहा था ज़ॉम्बी लोगों से फाइट भी करना, और मेरा 3-3 हार्ट बचा है, फिर भी मैं फाइट कर रहा हूँ इन लोगों से, तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। अभी तो अपना डायमंड माइन भी बचा हुआ है। तो गाइस यार मैं क्या करता हूँ, इन लोग ऊपर में फाइट करे तो मैं नीचे क्या किया, पानी दिखा, तो मैं पानी से डायरेक्ट नीचे जाने का ट्राई कर रहा था, मतलब नीचे चला गया था। तो मेरे को जो इधर सीन दिखाना गाइस, क्या बताऊँ, देखो
साइड में डायमंड, मेरे तो भाई इतना ज्यादा खुशी हो गया था ना भाई, तुम लोग को क्या बताऊं, मैं एकदम पूरा चिल्लाने लगा था भाई, डायमंड डायमंड। मतलब बहुत टाइम के बाद हमें डायमंड मिला था, 3-4 घंटे के बाद, मतलब 3-4 घंटे ज्यादा बोलते मैंने, 2-3 घंटे के बाद हमें और एक डायमंड दिखा था। तो भाई मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो ऐसे तो हमें बहुत ज़्यादा कम डायमंड मिल गया था, तो गाइस हम लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने पूरा कुछ सही, फिर से डायमंड भाई, क्या बताऊँ तुम लोगों को, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही था इतना सारा डायमंड देख के। एंड गाइस मैं क्या करूँगा, अभी सब लोगों ने बताया तो भाई अभी स्ट्रेट माइनिंग करना है, तो मैं भी क्या किया, स्ट्रेट माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। अभी देखो मेरे को फिर से अपना डायमंड मिल चुका है, लेकिन गाइस देखो भाई इतने ज़्यादा घटिया लोग हैं ना ये लोग, भाई मेरे को क्या, देखो उधर डायमंड मेरे को मिला, तुम लोग देखे फिर से मैंने माइन किया, लेकिन गाइस मेरे को फिर से डायमंड मिला, तो ओ भाई लेके चले गए। मैं क्या किया भाई, अभी तुम लोग के साथ माइन ही नहीं करना, मेरे को अकेले जाना है। फिर मैं कैसे अकेले गया, मेरे को फिर से डायमंड वगैरह दिखा, तो मैंने डायमंड फिर से लेना स्टार्ट कर दिया। भाई मेरे को बहुत सारा डायमंड चाहिए, आर्मर बनाना है गाइस यार, तो बहुत ज़्यादा सीन भी होने वाला है। तो इधर मेरे को फिर से डायमंड दिखा भाई, डायमंड डायमंड मिल रहे थे, मतलब स्टेट माइनिंग में, केव माइनिंग में तो भाई भाई केव के साथ साथ जा रहे थे, तो ज़्यादा मेरे को डायमंड मिल नहीं रहा था। तो मैं क्या किया, एकदम पूरा बेड रॉक में आके स्टेट माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो बेड रॉक में थोड़ा ऊपर भी जाके तुम लोग स्टेट माइनिंग कर सकते हो। तो गाइस आज का एपिसोड हम लोग इधर तक ही रखते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मजे किए आज के एपिसोड में, माइनिंग वगैरह किए, तो सामने जो एपिसोड आने वाले होगा माइनक्राफ्ट में और भी ज़्यादा मजे करने वाले। एंड गाइस तो तुम लोग को एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जो भी बंदा भाई अपने साथ खेलना वगैरह चाहते हो तो ज़रूर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, एक साथ खेलेंगे, बहुत ज़्यादा मजे करने वाले हैं। मैं बहुत सारे गेम खेल रहा हूँ, तो सारे गेम में आप लोगों को लेने का ट्राई करूँगा। तो गाइस बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय गाइस, तो फिर मिलेंगे कोई नई एपिसोड लेके, बाय बाय।